अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप YouTube पे 1.5 महीना पीछे चले जाएं तो आपको ये मसला दिखाई देगा कि चैनल की 2-स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही और ये मसला आज तक YouTube पे चल रहा है। और अगर आप 1 महीना पीछे चले जाएं तो आपको ये मसला दिखाई देगा कि वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, YouTube वीडियोज़ के इंप्रेशन नहीं बढ़ा रहा। तो व्यूअर्स, ये भी मसला आज तक YouTube पे चल रहा है। अब जो तीसरा मसला आ गया है वो क्या है कि चैनल की मोनेटाइजेशन नहीं हो रही। तो आखिर ये मसले पे मसला YouTube पे क्यों आ रहा है? और ये जो वीडियो बनाई है काशिफ भाई ने कि YouTube की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में बंद होने जा रही है, वीडियो बनाने का अंदाज इनका ज़रा अलग था। इनकी वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा न्यू यूट्यूबर परेशान हो गए। हालांकि इनको ये वीडियो कब बनानी चाहिए थी? 1.5 महीना पहले, जब 2-स्टेप वेरिफिकेशन का मसला आया। अगर उस टाइम ये वीडियो बना लेते तो आज तक ये मसला भी ख़त्म हो जाता और मोनेटाइजेशन वाला भी इशू ना आता। खैर, देर आए दुरुस्त है, इन्होंने बनाई जैसे बनाई ठीक हो गया। अब बात आती है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपकी आन कैसे होगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि इस मसले का हल क्या है, ये मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी। और अगर आपके गूगल एडसन के स्टेप 2 में एरर आ रहा है तो इस मसले का हल भी मैंने बता दिया है। तो आप मेरी परसों वाली वीडियो वॉच करें तो इस मसले का हल आपको मिल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों से भी जो बढ़ के मसला है व्यूअर्स, वो क्या है? व्यूज़ का। अगर आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो सीधी सी बात है, आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे और आपका चैनल मोनेटाइजेशन तक पहुँचेगा भी नहीं। ये जो व्यूज़ नहीं आ रहे, यूट्यूब इंप्रेशन नहीं बढ़ा रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और व्यूज़ नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपके डॉलर्स भी नहीं बन रहे होंगे। तो व्यूअर, सबसे बड़ा मसला यही है व्यूज़ का। अब मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि ये जो मसला है अब हल होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? क्योंकि YouTube जो वीडियो के इंप्रेशन आगे नहीं बढ़ा रहा था, वो सबसे बड़ा मसला क्या था? एक तो वर्ल्ड कप का था, दूसरा क्या हुआ था, YouTube का जो एल्गोरिथम है वो चेंज हुआ था। अब YouTube के एल्गोरिथम के चेंज हुए थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। अब धीरे धीरे YouTube क्या करेगा, पहले की तरह वीडियोस के इंप्रेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप वाली बात है, अब क्या हो गया कि वर्ल्ड कप का भी एंड होने वाला है। 19 नवंबर को फाइनल है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान हार गया है तो लोग जो है ना अब बाकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि अब YouTube आपकी वीडियोस के इंप्रेशन बढ़ाएगा। अब जैसे ही YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाए तो आपने सिर्फ 2 काम करने हैं, तो आपका चैनल ऐसे 0 से हीरो बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, वो क्या काम है? वो होते हैं वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाना, वीडियो को वायरल कराना। अब वीडियो वायरल कैसे होती है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक होते हैं आपकी वीडियो के इंप्रेशन और दूसरा होता है CTR, इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट। अगर आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ेंगे और आपकी वीडियो का CTR हाई होगा तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और आपकी वीडियो वायरल होगी। इसके साथ एक और भी चीज़ होती है जो आपकी वीडियो को वायरल कराने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। व्यूअर्स, वो बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा लूँ कि आपकी वीडियो के इंप्रेशन कैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरी वीडियो आपके सामने शो हो रही है, ये देखें। अब इस वीडियो के इंप्रेशन कितने हैं? 1.8 मिलियन। YouTube ने क्या किया, इस वीडियो को 18 लाख लोगों के सामने शो किया। अब कैसे शो किया, जैसे कोई बंदा YouTube ओपन करता है उसके सामने मेरी वीडियो चली गई। अब आपकी वीडियो के साथ भी ऐसे होगा, जब YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाता है या क्या होता है, आप किसी और की वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो उसके नीचे मेरी वीडियो आ जाती है या आपकी वीडियो भी ऐसे आ जाती है। तो ये क्या होता है कि आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ रहे होते हैं। इस तरह YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाता है। अब इस वीडियो पे इंप्रेशन कितने गए? 18 लाख। अब इसका CTR कितना है, ये देखें, CTR इसका है 5%। तो व्यूअर्स, अगर आप इस बात को समझ लेंगे जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप अपनी वीडियो के इंप्रेशन भी बढ़ा सकेंगे और अपनी वीडियो को वायरल भी करा सकेंगे। अब यहाँ पे इंप्रेशन कितने हैं मेरी वीडियो के? सिर्फ 5%। अब शुरू शुरू में इस वीडियो के इंप्रेशन ज़्यादा थे, आप ये देख सकते हैं, एकदम से ऊपर गए, उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसलिए जो है ना 5% पे आ गए। हालांकि जो अच्छे इंप्रेशन होते हैं वो होते हैं 8%, 10%, 12%। अगर आपकी वीडियो का CTR इतना है ना तो आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी लाजमी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके इंप्रेशन कितने गए? 18 लाख। CTR कितना आया? 5%। अब इस वीडियो पर व्यूज़ कितने आए, ये देखें, 1,25,000। 18 लाख इंप्रेशन के पीछे व्यूज़ कितने आए? 1,25,000। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो समझे वीडियो वायरल हो गई। 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं तो आपके चैनल को जो क्राइटेरिया होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर चैनल मोनेटाइज है तो आप अच्छे डॉलर्स कमा लेते हैं।
अब ये तो हो गया कि YouTube ने आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाए तो आपकी वीडियो वायरल होए। जब आपकी वीडियो के इंप्रेशन नहीं बढ़ते, अब यहाँ पे देखें इस वीडियो के व्यूज़ क्या है, लो की तरफ है, CTR क्या है, लो की तरफ है, नीचे की तरफ, और AVD क्या है, वो भी लो की तरफ है। तो व्यूअर्स अब दूसरी चीज़ क्या है, वो होता है AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर आपकी वीडियो का CTR हाई है और AVD लो है तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो व्यूअर्स AVD आपने कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप इंप्रेशन समझ लें कि आपने इंप्रेशन कैसे बढ़ाने हैं। अब YouTube क्या करेगा, जैसे वर्ल्ड कप एंड होगा तो YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शो कराएगा। अब वहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा होता है, आपकी वीडियो का थंबनेल डिपेंड कर रहा होता है, कि जितना आपकी वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, अच्छा होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब लोगों ने क्या क्या क्लिक करके आपकी वीडियो पे आ गए, अब आगे जो बात डिपेंड कर रही होती है वो होता है आपका AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि लोग आपकी वीडियो को कितना ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वॉच करते हैं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, YouTube क्या करता है आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाता जाता है। अगर ज़्यादा वॉच नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, ये देखें 1 मिनट 44 सेकेंड, ये लो की तरफ है, तो YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो का इंप्रेशन ही नहीं बढ़ाएगा। जैसे इस वीडियो के इंप्रेशन रुक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आपकी वीडियो का AVD भी अच्छा होता है, जैसे मेरी इस वीडियो का AVD अच्छा है, कितना है, 2 मिनट 29 सेकेंड, ये ऊपर की तरफ है, ग्रीन है, और आप ये देखें CTR भी ऊपर की तरफ है, ग्रीन है, तो इसलिए इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ गए 1,25,000। अब बात आती है कि AVD बढ़ेगा कैसे, तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, आपकी वीडियो का AVD तब बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को तब वॉच करते हैं अगर आपकी वीडियो का इंट्रो तगड़ा होता है, आपकी वीडियो का इंट्रो अच्छा है, लोग बैठ गए आपकी वीडियो को देखा, और इसके साथ साथ आपकी वीडियो के अंदर टॉप मोमेंट्स होने चाहिए। अब टॉप मोमेंट्स क्या होते हैं, कि लोग आपकी वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बेशक 2 मिनट देखें, 1.5 मिनट देखें, 3 मिनट देखें, लेकिन देखें सही बिना स्किप किए, तो वो क्या आ जाता है, आपकी वीडियो के अंदर टॉप मोमेंट्स आ जाता है। और इसके साथ साथ आपकी वीडियो के अंदर स्पाइक्स होने चाहिए। अब स्पाइक्स क्या होते हैं व्यूअर्स, वो ये होता है कि लोग आपकी वीडियो को बैक करें, पीछे बैक कर करके देखें, जैसे किसी बात की उनको समझ नहीं आई या कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा, वो कहते हैं कि इस पार्ट को वो दोबारा देखें, तो वो क्या करते हैं, बैक करते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह क्या आ जाते हैं, आपकी वीडियो के अंदर स्पाइक्स आ जाते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर स्पाइक्स आ गए, टॉप मोमेंट्स आ गया, इंट्रो तगड़ा हो गया, तो आपकी वीडियो का AVD जो होता है वो बेहतर हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है, और इससे YouTube क्या करता है, आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, ऐसे मिलियंस में चले जाते हैं। तो व्यूअर्स आपने दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक क्या हो गया AVD, दूसरा क्या हो गया CTR, क्योंकि अब YouTube क्या करने वाला है, आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाने वाला है। तो जैसे YouTube आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाए तो ये चीज़ें आपने बेहतर कर लेनी है, ताकि आप भी अपनी वीडियो को वायरल करा सकें। अब ये तो बात हो गई क्लियर कि आपके व्यूज़ कैसे बढ़ने वाले हैं, आपने कैसे बढ़ाने हैं। अब मैं आपको बताऊं जो पहली बात मैंने आपको बताई, कि अगर आपका गूगल एडसन में 2-स्टेप का मसला है, एरर आ रहा है, या 2-स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही आपके चैनल की, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप परसों वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी व्यूज़ और इंप्रेशन की बात हो गई, तो वो आपके इस तरह बढ़ने वाले हैं और आपने इस तरह बढ़ाने हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।